सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बीएल कुमार, आपका बीएल के एग्रीकल्चरल एजुकेशन में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जानते हैं फर्टिलाइजर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या फर्टिलाइजर से संबंधित न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं, या सीधी सीधी भाषा में से बोल सकते हैं फसलों में उर्वरक दर को कैसे निर्धारित करते हैं। सबसे क्वेश्चन से अपन देखते हैं कि एक यूरिया है, यूरिया खाद की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरिया से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की सप्लाई करनी है पर हेक्टेयर में, तो एक हेक्टेयर एरिया के लिए कितना कितना केजी यूरिया की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए दो चीज कर सकते हैं अपन। सबसे सिंपल फॉर्मूला था, अगर यूरिया से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसको 2.17 फैक्टर से गुणा कर सकते हो आप, अगर एक तो ये चीज याद रख सकते हो। या फिर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 100/4/6, क्योंकि 46% इसके अंदर एन कंटेंट होता है, ठीक है। तो 100% कंटेंट मल्टीप्लाई बाई नाइट्रोजन अमाउंट, नाइट्रोजन अमाउंट। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक हेक्टर के लिए पूछ रहा है, तो एक हेक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं। कई कई बार क्या होता है, 1 एकड़ के लिए पूछ लेते हैं तो 2.47 से डिवाइड करना पड़ता है, कई बार ज़्यादा हेक्टर के लिए पूछ लेते हैं। तो इस तरह से मिस कन्फ्यूज ना होएगा, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करेगा, तो मैं भी इजीली सॉल्व होएगा। ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन फास्फोरस निकालना चाहे पोटास निकालना, वो सबसे इजी रहता है। थोड़ा मिक्स्ड फर्टिलाइजर का आता है तो, या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का आता है तो डिफिकल्ट पड़ता है। देखते हैं दूसरे फर्टिलाइजर का, फास्फोरस का, कि एज्यूम दैट सिंगल सुपर फॉस्फेट का 16% P2O5 कंटेंट होता है, ये इसकी 80 किलोग्राम मात्रा देनी है। हाउ मच फर्टिलाइजर नीडेड फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कि 1 एकड़ जमीन के लिए पूछा है, 80 किलोग्राम P2O5 देना है, 16% उसके अंदर P2O5 होता है। तो अपन सिंपल भाषा में सबसे पहले तो 1 हेक्टर की डोज निकालेंगे और फिर इसको क्वांटिटी पर एकड़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। अगर सिंगल सुपर फास्फेट से फॉस्फेट की डोज निकालनी है SSP से, तो 6.22 फैक्टर से आप गुणा करोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, और ऐसे करोगे तो भी वही आएगा। तो या तो आप 6.22 फैक्टर याद रखिएगा, या फिर आप ऐसे जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे कीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला जनरली ये बनता है कि 100 kg 16 kg P2O5 कंटेंट्स इन 100 kg SSP, देन 1 kg P2O5, हाउ मैनी 100/46 16, देन 80 kg P2O5, 100 × 16/80, मतलब 16 किलोग्राम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 100 kg सल्फर SSP में होता है। तो 1 kg में 100/16, और 80 kg P2O5 के लिए 100/16 × 80, तो ये आपका आ जाएगा 500 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसको अभी आप 8.22 फैक्टर से भी गुणा करोगे तो लगभग वो भी आंसर वो आएंगे, आप करके देख सकते हो। 80 × 6.22, 8 × 48, ये 22 फैक्टर से और गुणा होगा तो लगभग उतने किलो आ रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये पर हेक्टर पे डोज पूछी इन्होंने, है ना। अब अपने को क्या करना है कि 1 एकड़ के लिए आंसर बताना है, तो 500/1 एकड़ में 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, ठीक है। तो इस एकड़ के अमाउंट का भाग दे देंगे 2.47 का, तो 202 किलोग्राम आपका आंसर आएगा, ठीक है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होने का, जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके अनुसार सॉल्व करने का, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाओगे, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप कहीं डाउट या उस क्वेश्चन को गलत कर पाओगे। ये हमेशा प्रश्न एग्जाम में भी आता है, और प्रैक्टिकल्स जो BSc एग्रीकल्चर है, MSc एग्रीकल्चर में तो स्पेशली आता जाता है। अगला प्रश्न है म्यूरेट ऑफ पोटास का, कि म्यूरेट ऑफ पोटास की कैलकुलेशन निकालने हैं, 60% इसके अंदर पोटेशियम ऑक्साइड होता है, और 50 किलोग्राम इसकी डोज देनी है, तो 10 हेक्टर जमीन के लिए कितना जरूरत पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चंस में अपन ने एकड़ के लिए पूछ लिया था, अब पूछा इन्होंने 10 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। कंफ्यूज ना होने का, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता वैसे वैसे करते जाने का, ठीक है। तो अपन इसको सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं कि 60 kg K2O
कितने में कंटेंट होता है? 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास में कंटेंट होता है। तो 1 किलोग्राम में कितना होगा? 100/60। अब अपने को कितने का निकालना है? 50 किलो का। तो 50 किलो में कितना होगा? 100/60 × 50। इसको सोल्व करेंगे तो अपना 83 किलो आ जाएगा, 83.3। ठीक है, अब इन्होंने 10 हेक्टेयर के लिए पूछा, तो इसको गुणा कर लीजिएगा, 83.3 यानी 833 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और पोटेशियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है या किसी को नहीं पता तो एक और बात बता देता हूँ, म्यूरेट पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर बनता है उसमें HCl का यूज किया जाता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये HCl है होता है, ये इसका जो ट्रेड नेम अर्लियर में म्यूरेटिक एसिड था, म्यूरेटिक एसिड होने की वजह से पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जो अपना प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने का, एक ही न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सीखने का, बाकी सब ऑटोमेटिक। पूछा स्ट्रेट फर्टिलाइजर से, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया है कि 1/3 m² साइज के लिए क्या होगा। तो आपको जैसे पता है कि मैं अगर आपको नाइट्रोजन सिंगल सुपर फास्फेट से इस फैक्टर से पूछना हो तो आपको मैंने बताया भाई 2.17 फैक्टर से गुणा कर लीजिएगा, तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन को यूरिया से देना तो 2.17। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 2 × 2 = 4, 17 × 2 = 34, 434 kg आ जाएगा। ठीक है, 434 किलोग्राम्स आएगा आपका। अब दिक्कत यहाँ है, और जगह नहीं है, कि इन्होंने पूछा कि 1 m² के लिए कितना होगा। तो मैं एक बार इसको पूरे को सोल्व करके आपको बताता हूँ, 200 × 2.217 बराबर 400। अब कोई भी मात्रा का अगर पर्टिकुलर एरिया पूछे तो उसमें 10,000 का भाग देना होता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10^5 m² या 10,000 m². ठीक है, तो 3 m² को उसके गुणा से कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर उपस्थित रहेगा। तो इसका जो 423 को 1300 2/10,000, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0.0.1302 kg 3 m² एरिया के लिए जीरो। अब इसकी मात्रा को आप चाहो तो ग्राम में बदल सकते हो, ग्राम में बदलने ले ले इसको 1000 से गुणा कर लो तो 130.2 ग्राम आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप फास्फोरस और पोटास तीनों का निकाल सकते हो, और इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मुझे पर्सन कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, या व्हाट्सएप पे आप बताइए, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।